There are only two games in the world. The first is winning and second is losing. अर्थात दुनिया में केवल दो ही चीजें हैं, वो है पहला है जीतना और दूसरा है हारना. यही दो गेम है बस. किसी में कोई हारता है तो दूसरा जीतता है, कोई जीतता है तो कोई हारता है. यही जीवन में होता रहता है. आज जो मैंने लिया है टॉपिक, वो सुमित कुमार जी के कहने से लिया है. सुमित कुमार जी ने मुझसे पूछा था आईएनजी लगाने के क्या नियम हैं, वर्ब में आईएनजी लगाने के क्या नियम हैं. तो ये मैंने बताए हैं. स्पेलिंग बहुत बड़ी चीज होती है. स्पेलिंग अगर गलत हो जाए तो सबसे पहले तो मैं स्पेलिंग की स्पेलिंग बता दूं, SPELLING, और इसकी हिंदी होती है वर्षणी, यानी शब्द स्पेलिंग SPELLING स्पेलिंग कभी गलत नहीं होनी चाहिए. इसीलिए मैंने आज कुछ शब्द छांटे हैं स्पेलिंग बताने के लिए विशेष. सबसे पहला है पायरिया. दांत का एक रोग होता है जिसे पायरिया कहते हैं. पीप निकलने लगती है, मुंह से बदबू आने लगती है, पायरिया कहते हैं. उसकी स्पेलिंग देखिए, आपको स्वयं लगेगा कि ये तो हमसे नहीं आती थी. PYORROEA. फिर से सुनिए, PYORROEA. पायरिया की स्पेलिंग है ये. ऐसे ही डायरिया की स्पेलिंग है, डायरिया दस्त को कहते हैं. डायरिया की स्पेलिंग है DIARROEA. ये डायरिया की स्पेलिंग है जिसकी हिंदी होती है दस्त. डायबिटीज की स्पेलिंग देखें, मधुमेह रोग की, डायबिटीज DIABETES, इसमें आखिर में ई नहीं लगता, DIABETES. दूसरे डायरी की स्पेलिंग देखें, डायरी जो आपके पास डायरी होती है लिखने की, पुस्तिका, DIARY डायरी. और डेयरी की स्पेलिंग सुने, DAIRY. ING लगाने के नियम क्या हैं, स्पेलिंग को कैसे हम सही कर सकते हैं अपनी, इसके कई नियम मैंने सामने लाए हैं जिसका स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को बहुत लाभ होगा, औरों को भी होगा लेकिन विद्यार्थियों को विशेष लाभ होगा. नियम एक, जब क्रिया के अंत में ई आए तो ई हटा देते हैं. जब क्रिया के अंत में ई आए तो ई हटा देते हैं और आईएनजी लगा देते हैं. देखें, कम COME कम, ई हट जाएगा, ई की जगह आईएनजी लग जाएगा, कमिंग. टेक, टेक में TAKE हट जाएगा, आईएनजी आ जाएगा. तीसरे में लिव, लिव माने रहना, LIVE लिव, लिविंग हो जाएगा तो ई हट जाएगा. राइट, लिखना, WRITE राइट, राइटिंग लिखोगे तो क्या करेंगे, ई हटा देंगे. तो इस प्रकार से इन शब्दों में ई हट जाता है. लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें ई नहीं भी हटता है, अगर डबल ई हो तो नहीं हटेगा, ये मैं बाद में बताऊंगा. नियम दो, जब वर्ब के अंत में केवल कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट का अर्थ होता है व्यंजन, तथा उससे पहले वॉवेल आए. वॉवेल कौन कौन से होते हैं, पांच होते हैं जो एजुकेशन शब्दों में पांचों आते हैं, AEIOU वॉवेल कहलाते हैं. अगर पहले, ठीक पहले वॉवेल हो तो आखिरी कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है, व्यंजन डबल हो जाता है. मैं दिखाता हूं इस चीज को. पुट शब्द है, पुट माने रखना, पुटिंग, टी डबल हो जाएगा. देख लीजिए, इसके ठीक पहले वॉवेल है यू, यू वॉवेल है, इससे पहले ठीक वॉवेल है,
इसलिए आईएनजी लगाते समय टी डबल हो जाएगा, सिटिंग में टी डबल हो जाएगा, SIT क्योंकि वॉवेल इसके ठीक पहले है। कट में कटिंग जब लिखेंगे तो डबल टी हो जाएगा, कटिंग माने काटना। रन, रन में भी ठीक ऐसा ही होगा, अर्थात एन डबल हो जाएगा, इसके ठीक पहले भी वॉवेल है। तो ये नियम चलते हैं अंग्रेजी की स्पेलिंग में, तो ये मैं बता रहा हूं आज। अपवाद क्या है वो भी सुनिए, एक्सेप्शन अपवाद, परंतु यदि अंत में एच, डब्ल्यू, वाई तथा एक्स हो तो डबल नहीं होगा। जैसे ब्लो, ब्लो माने हवा का झोंका या चलना, हवा का ब्लो, BLOW, ब्लोइंग। इसमें देखिए बाई में देखिए BUY, यदि अंत में एच, W, Y, X हो तो डबल नहीं होता। अब देखिए इसमें कहीं डबल नहीं है, ब्लोइंग में W जो है वो डबल नहीं है, ब्लोइंग एक ही रहेगा W, बाई है इसमें बाई एक ही रहेगा, डबल नहीं होगा। BUYING, बाइंग माने खरीदना। लाफ माने हंसना, LAUGH। तो ये बिल्कुल क्रम से देख लीजिए, H हो, W हो, Y हो, X हो तो डबल नहीं होगा। लाफिंग में H डबल नहीं होगा। फिक्सिंग में FIX, फिक्सिंग FIXING, X डबल नहीं होगा। ब्लो में देखें, फिर से देखें, ब्लो में W से पहले O है, यानी वॉवेल पहले है, लेकिन फिर भी W डबल नहीं होगा। बाई से पहले यू है, वॉवेल है, लेकिन बाई डबल नहीं होगा, बाइंग ING सीधे लगेगा। लाफ में GH से पहले यू है, लेकिन कभी भी ये डबल नहीं होगा, लाफिंग होगा, GH के बाद ING आएगा। फिक्सिंग FIX, फिक्सिंग FIXING होगा, एक्स से पहले आई है, वॉवेल है, लेकिन एक्स डबल नहीं होगा। अब अगला नियम देखें, नियम नंबर 3, अगर अंतिम अक्षर से पहले दो वॉवेल हों तो सभी अक्षर डबल नहीं होता, तो भी अक्षर डबल नहीं होता। तो नियम था अगर अंतिम अक्षर से पहले दो वॉवेल हों तो भी अक्षर डबल नहीं होगा। दो वॉवेल यानी EB और AB है, इसमें दो है, रीडिंग डी डबल नहीं होगा। इसमें भी दो वॉवेल हैं, वेट में, वेट माने इंतजार करना, रीड माने पढ़ना, WAIT, वेट माने इंतजार करना। इसमें भी डबल है, AI डबल वॉवेल है, टी डबल नहीं होगा। EAT दो वॉवेल हैं, टी डबल नहीं होगा। वीप डबल वॉवेल है इसमें, डबल ई, WEEP, वीप माने रोना, ईट माने खाना, WEEP, वीपिंग, वीपिंग माने रोना, इसमें डबल वॉवेल है, पी डबल नहीं होगा ING लगाते समय। नियम 4, जिन शब्दों के अंत में बाई या डबल एल हो तो ING लगाते समय बाई या डबल एल हटता नहीं है। जैसे फ्लाई, FLY, फ्लाई, फ्लाइंग हो गया, ING डायरेक्ट लग गया इसके बाद। फिर देखें टेल, अब जो वाई हटता तो हटता कभी नहीं है। टेलिंग में देखें TELL, टेलिंग, ING लगा करके टेलिंग हो जाएगा, तो टेलिंग में भी ये डबल एल है लेकिन सिंगल नहीं होगा, डबल ही रहेगा। किलिंग में भी ऐसा ही होगा, डबल एल है, ING उसके ठीक आगे लग जाएगा। क्राइंग में भी ऐसा ही होगा, सीधे ING लग जाएगा, वाई के आगे ING लग जाएगा। नियम 5, ऐसे वर्ब्स जिनके अंत में आई ई आते हैं उनमें आई ई के स्थान पर वाई कर देते हैं,
उनमें आई के स्थान पर वाई कर देते हैं, जैसे एल आई ई, आई के स्थान पर क्या कर दिया, लाइंग, आईएनजी लगाते समय वाई हो जाएगा, जैसे एल आई ई है, आई ई के स्थान पर वाई आई एन जी हो गया, वाई हो जाएगा आई ई। ऐसे ही डाई में होगा, डाई माने मरना, लाई माने झूठ बोलना, डाई डी आई ई, आई ई के स्थान पर वाई हो जाएगा, डाइंग डी वाई आई एन जी, डाइंग। अब ये देखें नियम छह जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ही नियम बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इसके लिए ये याद होना बेहद आवश्यक है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी स्पेलिंग सही हो जाएंगी। जिन वर्ब्स के अंत में डबल ई आए, डबल ई और वाई ई आए, या तो वाई ई आए या तो डबल ई आए, उनमें आई एन जी लगाते समय ई को नहीं हटाते, ई को नहीं हटाते। देखें एस डबल ई के आगे सीधे आई एन जी आ जाएगा, सीइंग, सी माने देखना, डाई माने रंगना, डी वाई ई डाई, डाई माने रंगना, डाइंग, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इसके आगे सीधे आई एन जी आ जाएगा। एग्री सहमत होना, ए जी आर डबल ई, इसमें सीधे आई एन जी लग जाएगा, ए जी आर डबल ई आई एन जी, कुछ भी हटेगा नहीं, कोई ई नहीं हटेगा। फ्री भागना, एफ एल डबल ई, फ्री माने भागना, फ्रीइंग, अर्थात इसमें सीधे डबल ई के बाद आई एन जी लग जाएगा, इसमें से कुछ भी नहीं हटाया जाता है। तो ये स्पेलिंग जो मैंने मिस्टेक की बात की है और सही करना बताया है, ये कितना इम्पोर्टेंस होगा आपकी लाइफ में, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, मैं बता नहीं सकता कि कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी आपकी लाइफ में। जब आप लिखते हैं अंग्रेजी, जब आप बोलते हैं अंग्रेजी, बोलते समय तो पता नहीं चलेगा, लेकिन लिखते समय तो बेहद आवश्यक माना जाता है इसको आना, इसका ज्ञान होना। यदि ये मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हूँ, ये पूछा था मुझसे सुमित कुमार जी ने, और ये उन्हीं के कहने पर मैंने बताया भी है, लेकिन है सबके काम की, बहुत काम की चीज। तो यदि मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।